हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉय दिस लेक्चर्स तो पहला जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या है कि एनी इक्वेशन कंटेनिंग द ट्रिगोनोमेटिक फंक्शन अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है साइन एक्स कौन सेक्स टेन एक्स एक एक्स कौ एक इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनी इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनी इक्वेशन एनी इक्वेशन कॉन्टेनिंग कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी फंक्शन किसी भी इक्वेशन में अगर टी फंक्शन है ऑफ अन नोन एंगल्स ऑफ अननोन एंगल्स तो उसको हम लोग बोलेंगे टिकोनोमेटिक इक्वेशन एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लो आपके पास है टेन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव टेन एक्स एंड प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो नाव यू कैन टेक अनदर इक्वेशन साइन स्क्वायर साइन एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू ज़ीरो जब हम लोग कोई भी टिकोनोमेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो जो सल्यूशन आता है वो असल में क्या होता है एंगल ये जो सोल्यूशन होता है टिकोनोमेटिक इक्वेशन का इस सल्यूशनस को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नंबर वन होता है नंबर वन इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन तो नंबर वन जो सोल्यूशन है द सोल्यूशन आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स फर्स्ट सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन तो फर्स्ट सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सल्यूशन बोलते हैं ये कौन सा सोल्यूशन होता है अगर आपका सोल्यूशन इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है जीरो से टू पाई के बीच में है तो उस सोल्यूशन का नाम होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन दूसरा होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कौन सा होता है ट्रिगोनोमेट्री में एनी सोल्यूशन कोई भी सोलूशन जो आपका गिव इंटरवल ये क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड रहेंगे कि इसी के अंदर आपको सोल्यूशन बताना है तो ये गिव इंटरवल के अंदर होना चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन थर्ड वन होता है जनरल सोल्यूशन अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है तो ये कौन सा सोल्यूशन होता है सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन सोल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है उनको इकट्ठा करने से हम लोग बोलते हैं जनरल सोल्यूशन बाय वन एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मान लेते साइन एकवल टू वन बाई टू है और अगर आपको निकालना पड़े प्रिंसिपल सोल्यूशन तो कौन कौन से सोल्यूशन आप निकालेंगे तो फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन वी कैन से दैट एक्स जो है वो थर्टी डिग्री में हाफ होता है तो पाई बाई सिक्स और सेकेंड क्वार में पाई माइनस पाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स में ये आपको हाफ देगा तो नाउ दिस टू सोल्यूशंस पाई बाई सिक्स एंड फाइव पाई बाई सिक्स ये दोनों सोल्यूशन लाई करते हैं जीरो से टू पाई के बीच में तो दिस सोल्यूशन आर द प्रिंसिपल सोल्यूशन मान लेते आपको इसी को निकालना है साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू और इसको आपको चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए लेकिन ये सोल्यूशन कौन सा रेंज में आपको पता करना है आपको इंटरवल दे दिया क्वेश्चन में पाई से लेके थ्री पाई बाई टू अब आपको पता है कि पाई से लेके कर थ्री पाई बाई टू में साइन नेगेटिव होता है यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू हाफ है तो फिर इसका सोल्यूशन आएगा इस रीजन में नो सल्यूशन इस रीजन में इस इंटरवल में नो सोल्यूशन अगर आपको इंटरवल चेंज कर दे जीरो से पाई बाई टू तो अब आपका आंसर आएगा एक ही सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल आपको बताना है कि आपका सोल्यूशंस क्या है और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे जनरल सोल्यूशन में तो जनरल सोल्यूशनस के लिए क्या करना है इसी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन एकवल टू वन बाई टू है तो आपने प्रिंसिपल सोल्यूशन पता किया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है वो पाई बाई सिक्स है और एक सोल्यूशन है फाइव पाई बाई सिक्स तो स्मॉलेस्ट वन कौन है पाई बाई सिक्स तो ये सोल्यूशन आप ले लें पाई बाई सिक्स और आपको पता है कि टू एन पाई हर थ्री सिक्सटी डिग्री के बाद किसी भी एंगल का वैल्यू रिपीट हो जाता है कोई भी टिकोनोमेटिक फंक्शंस का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री की रोटेट करने के बाद सेम वैल्यू देता है तो यहाँ पर हम लोग साइन कॉस्ट एन ये जो टिकोनोमेटिक फंक्शन है इसका प्रियडिसिटी को यूज़ करके हम लोग सोल्यूशन बता सकते हैं ठीक है ना तो ये हो गया जनरल सल्यूशन तो तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन जो जीरो से टू पाई में लाई करेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रोवाइडेड इन द गिवन क्वेश्चंस पेपर द इंटरवल जनरल सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन अब हम लोग अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जनरल सॉल्यूशंस को याद करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है कुछ जनरल सॉल्यूशंस है आपको याद रखना है तो इसमें है नंबर वन कि अगर साइन इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपको पता है कि एक्स का वैल्यू जो है वो एन पाई होता है दूसरा नंबर है कि साइन के साथ मान लेते हैं अगर टेन एक्स ज़ीरो है तो टेन एक्स ज़ीरो कहाँ पर होता है जब साइन जीरो होगा मतलब एन पाई पर कॉज ज़ीरो पर होता है जब x का वैल्यू आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो 2n एन प्लस वन यहाँ पर जो भी n हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारा n जो है वो इंटीजर हैं 2n एन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ पाई बाई टू चार नंबर कॉटिक्स कहाँ पर जीरो होता है जहाँ पर cos जीरो होगा x इक्वल टू टू एन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ पाई बाई टू नाव नेक्स्ट इज़ साइन एक्स साइन एक्स वन कहाँ पर होता है जब एक्स का वैल्यू होता है फोर एन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ पाई बाई टू ये सारा रिज़ल्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जेई में प्रूफ तो नहीं आएगा बट आपको रिजल्ट याद रखना है साइन एक्स माइनस वन कहाँ पर होता है जब एक्स का वैल्यू होता है फोर एन माइनस वन मल्टीप्लाई विथ पाई बाई टू सेवेंथ है कहाँ पर ज़ीरो होता है सॉरी कॉसिक्स कहाँ पर वन होता है जहाँ पर एक का वैल्यू इवेन मल्टीपल ऑफ पाई होता है टू एन पाई और एट है कि कॉस एक्स कहाँ माइनस वन होगा जब आपका एक्स का वैल्यू जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो पाई का इवेन और ऑड मल्टीपल के ऊपर डिपेंड करके कॉस का जो है इस दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ कॉस एन पाई आई कैन राइट एज माइनस वन होल पावर एन अगर आप इवेंट बैठाओगे यू विल गेट द प्लस वन अगर आपने ऑड बैठाया तो यू विल गेट द नेगेटिव वन होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं जनरल सोलूशन अगर साइन एक्स साइन अल्फ़ा के बराबर है तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस वन होल पावर इन अल्फ़ा देन है कॉस एक्स अगर कॉस अल्फा के बराबर है then we can write x इजिकल टू टू एन पाई प्लस एन माइनस अल्फ़ा थर्ड है कि अगर टैन एक्स टैन अल्फ़ा के बराबर है तो we can write x is equal to n pi plus alpha. पॉइंट नंबर ट्वेल्व इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट इसको याद रखें ये बहुत सारे क्वेश्चन जो इसके ऊपर बेस्ड करके आते हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है या फिर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है या फिर टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूशन एक ही आएगा एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस एंड माइनस अल्फा बस ये तीनों का एक ही सोल्यूशन है ये ऑल थ्री इक्वेशंस हैविंग वन सोल्यूशन यहाँ पर एन हमेशा इंटीजर्स होगा नेक्स्ट आते हैं हम लोग जब भी टिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दैट केस वी शुड फॉलो सम 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 टेक्निक वी हैव टू फॉलो तो सम सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक वी हैव टू फॉलो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला टेक्निक है जब भी आप टिकोनोमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें अवॉइड द स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग को हमेशा अवॉइड करें अवॉइड द स्क्वायरिंग क्योंकि ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा रूट देगा जो हो सकता है आपका गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रूट ओवर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इजल टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू के बराबर है मान लेते हैं के बराबर है जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और लेफ़्ट में ला के अगर हम लोग फैक्टराइज़ कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आपको एक्स का दो वैल्यू तो मिल जाएगा एक है टू एक है माइनस वन अब देखिए इसको सेटिस्फाई कर है कि नहीं तो यहाँ पर क्या है कि एक का वैल्यू टू है तो ये टू को आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ़ टू प्लस टू तो रू रूट ओवर ऑफ़ फोर टू ही आता है तो ये सेटिस्फाई हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आप माइनस वन बैठाइए माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ वन दैट इज़ वन तो ये सेटिसफाई नहीं किया ये आपका एक्स्ट्रा रूट आ गया है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रेनियस रूट एक्स्ट्रेनियस रूट वो होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जब भी आप स्क्वायर करें तो हमेशा सतर्क रहे इस टाइप का कोई भी एक्स्ट्रेनियस रूट आ रहा है कि नहीं आप इसको जरूर चेक कर लें एक टिकोनोमेट्रिक का एग्जाम्पल देते हैं आपको मान लो आपके पास है साइन एक्स देन कॉस एक्स इक्वल टू तो वन अगर बाय चांस आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर अगर आप इसको, इसको स्क्वायर करोगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन यू हैव टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अब यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों मिला के वन है और इसका फार्मूला हो गया साइन टू एक्स विच इज़ इक्वल टू वन तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन ऑफ टू एक्स इक्वल टू वन यहाँ से जैसे वैल्यू निकालेंगे तो होगा टू एक्स इक्वल टू ये कौन सा वैल्यू पे वन होता है फोर एन प्लस वन इन टू सॉरी यहाँ पर वन और वन जैसे कैंसिल करेंगे तो राइट साइड विल बिकम ज़ीरो वन वन कैंसिल करने से वी विल गेट राइट साइड ज़ीरो तो देयर आर फो टू एक्स एन पाई पे जीरो होगा देयर आर फोर एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू होगा ये आपने सोल्यूशन लिख दिया लेकिन सतर्क रहे यहाँ पर आप जैसे ही आप गौर करके देख सकते हैं पुट एन इज इक्वल टू टू तो एक्स का वैल्यू पाई आता है अब क्या ये पाई इसका सोल्यूशन है अब देखो साइन पाई लेफ्ट हैंड साइड में कॉस पाई तो साइन पाई का वैल्यू तो जीरो है कॉस पाई माइनस वन है तो टोटल आंसर माइनस वन बट राइट हैंड साइड में क्या दिया वो आपको प्लस वन तो दिस वन दिस वन इज़ नॉट द रूट दिस वन इज नॉट द रूट इट इज़ द एक्सट्रेनियस ये ऐसा क्यों आ गया ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपने स्क्वायर किया तो बहुत सारे रूट एक्स्ट्रा इनपुट हो सकते हैं अंदर आ सकते हैं उस एक्स्ट्रेनियस रूट को आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर से देखना है कि कौन कौन सा x का इन का वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि जैसे भी हो स्क्वायरिंग को अवॉइड करें अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकते हैं एक्स्ट्रा रूट आएंगे वो आपको चेक करना होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये पहला स्ट्रेटेजी आपको याद रखना है कि एनी हाउ वी ट्राई टू अवॉइड एनी हाउ वी ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग नेक्स्ट है अवॉइड आपको अवॉइड करना है दैट एंगल दैट एंगल्स उस एंगल को अवॉइड करें विच मेक्स विच मेक्स एनी टर्म च मेक्स एनी टर्म इन्फिनिटी जो कोई भी टर्म को इन्फिनी बना रहा है या फिर अनडिफाइंड बना रहा है उसको आप अवॉइड करें ऐसे एंगल आप नहीं ले सकते तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं मान लो आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स देन डिवाइडिंग बाई वन प्लस टैन थ्री एक्स एंड देन टेन टू एक्स और इसका जो वैल्यू है वो वन है इसको आपको सॉल्व करना है फॉर एक्स के लिए तो नाउ दिस विल गिव यू टेन ऑफ ए माइनस बी टेन थ्री एक्स माइनस टू एक्स विच इज़ इक्वल टू वन देन टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन और ये टेन पाई बाई फोर पे होता है टेन पाई बाई फोर तो जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एन पाई प्लस पाई बाई फोर तो नाउ ये तो आपका जनरल सोल्यूशन आ गया लेकिन क्या ये जनरल सोल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या किसी टर्म को ये इन्फिनिटी बना रहा है वी हैव टू चेक तो नाउ टैन टैन टू एक्स एन पाई प्लस पाई बाई फोर विच इज इक्वल टू टैन ऑफ टैन ऑफ टू एन पाई प्लस पाई बाई टू एंड विच इज इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाई टू विच इज इक्वल टू इन्फिनीटी तो नाउ इस एंगल पे इस एंगल पे आपका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे आ गया तो दे फोर वी कैन नॉट टेक दिस एंगल इन आवर सोल्यूशन तो सोल्यूशन में हम लोग इस एंगल को नहीं रख सकते तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन था एन पाई प्लस पाई बाई फोर ये सोल्यूशन एक टर्म को इन्फिनीटी बना रहा है लेकिन हमारे पास तो एक ही सोल्यूशन आया था ये और कोई दूसरा सोल्यूशन है नहीं बट इट सल्यूशन की वजह से एक टर्म इन्फिनिटी हो रहा है तो दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन तो दे फोर दिस इक्वेशन हैज़ नो no सोल्यूशन तो यहाँ पर इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सोलूशन नहीं है ठीक है ना नाउ नेक्स्ट रूल जो है उसको समझते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी या नेक्स्ट टेक्निक जो है ये आपको समझना है इसका मैंने नाम दिया है कैंसिलेशन रूल ठीक है ना कैंसिलेशन कैंसिलेशन्स रूल तो ये कैंसिलेशन्स रूल क्या है ये पहले आप समझ लें अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशंस है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म पे है आप न्यूमरेटर से कभी भी कोई टर्म कैंसिल नहीं कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं आपको मान लो आपके पास ऐसा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और आपको सॉल्यूशन निकालना है अगर आप यहाँ पर दोनों एक्स को काट देते हो और लिखते हो x इज टू वन तो ये जो मेथड है ये टोटली रॉन्ग मेथड हो जाएगा ये रॉन्ग मेथड क्यों होगा क्योंकि आपने दोनों टर्म को काट दिया तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो देर फोर आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आए एकक्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एंड देन इट विल इम्प्लाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो टेन एक्स इक्वल टू जीरो और वन तो यहाँ से पता चला कि इस इक्वेशंस का दो सोल्यूशन है और ये कंप्लीट सल्यूशन है तो कभी कभी अगर आप कोई भी कोई भी न्यूमरेटर से टर्म को काटते हैं जो अननोन है या फिर उसमें आ, कोई फंक्शन से अननोन फंक्शन से कोई वेरिएबल है कोई अननोन टर्म है अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये आपका कंप्लीट सल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमेशा याद रखे तो रूल नंबर वन इन न्यूमरेटर डोंट कैंसिल कॉमन टर्म न्यूमरेटर में कोई भी कॉमन टर्म आप कैंसिल नहीं कर सकते मान लेते हैं ऐसे है आपके पास एफ स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर है एफ एक्स इन जी एक्स अगर यहाँ से आप एफ एक्स को कैंसिल कर देते और लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो देन यू कैन यहाँ से आपको रॉन्ग आंसर ही आएंगे तो दिस मेथड इज़ द टोटली रॉन्ग मेथड क्योंकि आपने न्यूमरेटर से फैक्टर को कैंसिल कर रहे हो जो अलाउ नहीं है हो सकता है कि ये न्यूमरेटर किसी वैल्यू पे जीरो है तो ना वट वी हैव टू डू एफ स्क्वायर एक्स आपको लेना है एफ एक्स इन जी एक्स एंड विच इज़ इक्वल टू जीरो तो ना यहाँ से अगर आप एफ एक्स कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स विच इज़ इक्वल टू जीरो तो यहाँ से सोलूशन आएंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो ये जो मेथड है ये फिर करेक्ट है तो आपको ये सतर्क रहना है कि न्यूमरेटर से डू नॉट ट्राई टू कैंसिल आउट एनी फैक्टर अनलेस अनटिल यू कन्फर्म दैट दिस फैक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो जब तक आप कन्फर्म नहीं है आप कैंसिल नहीं कर सकते बट इन डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर यू कैन कैंसिल आप डिनोमिनेटर में टर्म को कैंसिल कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सेम इक्वेशन दिया जाए एक्स स्क्वायर एक्स बाई वन ये गिव इक्वेशन है नाउ दे आर आस्किंग फॉर द सोल्यूशन अगर आपको इसका सोल्यूशन निकालना है वट यू हैव टू डू आप सिंपली एक से एक कैंसिल कर दो और एकवल टू तो वन इज द सोल्यूशन रीज़न क्या है बेटे क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है ये डिनोमिनेटर में और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता अब यहाँ पर रॉन्ग करने का तरीका क्या है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्ल टू वन मिला है अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो और उसके बाद दो सोल्यूशन निकालते हो जीरो एंड वन देन इट इज़ रॉन्ग अब ये रॉन्ग क्यों हो गया क्योंकि आपने एक सोल्यूशन निकाला है जीरो ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या है एक्स स्क्वायर बाई एक्स इसका मतलब जीरो स्क्वायर बाई जीरोल टू वन होना चाहिए जो इम्पॉसिबल है तो यहाँ से एक चीज़ याद पता करना है आपको हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो वो ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एफ स्क्वायर एक्स बाई एफ एक्स है तो आप आग बंद करके इसको काट सकते हो और लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर हमेशा याद रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में तो एफ एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होगा मान लेते कि ऐसे है आपके पास टर्म एफ एक्स है इन टू जी एक्स है यहाँ पर है आपके पास एच एक्स इन टू मान लेते कोई और भी टर्म है आपके पास के एक्स है ठीक है ना? और इस साइड में आपके पास है एफ़ एक्स है और सॉरी एफ़ वन एक्स है यहाँ पर है जी वन एक्स है यहाँ पर है आपके पास एच एक्स और यहाँ पर है के टू एक्स तो ये चार फंक्शन में आप देख सकते हैं एच एक्स कॉमन है लेकिन डिनोमिनेटर में तो आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं तो जो भी टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है गिवन क्वेश्चन में तो वो कभी ज़ीरो नहीं होता है इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है तो अगर टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है डोंट कैंसिल इट आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते ठीक है ना तो इसको आप ऐसे भी मान सकते हो रूल फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेक्स्ट हम लोग को पढ़ते हैं स्ट्रेटी नंबर फोर इसको मैंने नाम दिया है डोमेन uh, एनालिसिस करके डोमेन एनालिसिस मैं बोलता हूँ इसको यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आपके टिकोनोमेटिक इक्वेशंस में जब भी आपके टिकोनोमेटिक इक्वेशन में साइन एक्स कॉस एक्स है जब भी आपके टिकोनोमेट्रिक इक्वेशन में साइन एकस है कॉस एक्स है तो आप हमेशा याद रखें ये ट्रू होगा हर रियल नंबर के लिए क्योंकि इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है लेकिन आप के इक्वेशन में टेन एक्स है या फिर सेक एक्स है तो आपको पता है ये अनडिफाइंड कब होता है तो टैन अनडिफाइंड होगा जब कॉस जीरो होगा सेक भी अनडिफाइंड होगा जब कॉस जीरो होगा इसका मतलब एक्स का वैल्यू बिलोंग करेगा रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखिए आप लोग कि डोमेन एनालिसिस आपको करना है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मान लो आपके ट्रिगोनोमेटिक इक्वेशन में कॉटिक्स है या फिर कोसेक एक्स है तो आपको पता है ये अनडिफाइंड कब होता है ये अनडिफाइंड होता है एन पाई में तो एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर माइनस एन पाई ठीक है ना तो ये सब आपको हमेशा ध्यान रख के सोलूशंस को बताना है क्लियर अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं नाउ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एक है कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो है और दूसरा इक्वेशन दिया है कि साइन एक्स बाय कॉस है और ये एक्स बाई टू है ये ज़ीरो है तो नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन तो पहला इक्वेशन थे सोल्यूशन हम लोग आग बंद करके लिख सकते हैं एन पाई होगा लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाएगा एट द सेम टाइम मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए अगर ये ज़ीरो है तो x का वैल्यू तो n पाई है और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो x बाई टू का वैल्यू कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए ठीक है ना इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना है x का कोई भी वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना है तो अगर कंप्लीट सल्यूशन लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये जो सोल्यूशन है ये आपका ईवेन और ऑड दोनों को कंटेन कर रहा है ये भी ईवेन एट कंटेन कर रहा है तो यहाँ से ये दोनों का यूनियन तो लेंगे हम लोग लेकिन जब इंटरसेक्शन लेना है इंटरसेक्शन जब हम लोग लेंगे तो हम लोग इस सोल्यूशंस को नहीं ले सकते ऐसा इक्वेशन जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे तो यहाँ पर एन पाई आ रहा है तो एन पाई में से आप कौन कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते अगर पाई का आपने ऑड मल्टीपल लिया तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो देआर फोर कंप्लीट सोल्यूशन इज ओनली द ईवेंट मल्टीपल ऑफ पाई ईवन मल्टीपल ऑफ पाई हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ऑड मल्टीपल लेंगे तो टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों कोई डाउट है बस बने रहे हमारे साथ नाउ नेक्स्ट जो है स्ट्रैटेजी नंबर फाइव में हम लोग चलते हैं ठीक है, है ना डोमेन एनालिसिस हम लोग किए थे और स्ट्रैटेजी फाइव भी हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करो तो हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो कैन नॉट बी ज़ीरो किसी भी टाइम में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए एट एनी एट एनी स्टेज एट एनी स्टेज ऑफ योर सल्यूशन एट एनी स्टेज ऑफ योर सोल्यूशन आपके सल्यूशन करने के दौरान ठीक है ना अच्छा छठा पॉइंट पे चलते हैं यह भी जो है स्ट्रेटी और टेक्निक में से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत से टाइम में हम लोग आ, इस टाइप का जो है ट्रांसफॉर्मेशन या फार्मूला यूज़ करते हैं साइन टू एक्स को हम लोग टेन में लिख सकते हैं तो ये होता है टैन टू एक्स टैन टू एक्स सॉरी टू टेन एक्स साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स डिवाइडिंग बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स आता है और कॉस टू एक्स का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं सारे बच्चे जानते हो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स नाउ हो टेन टू एक्स का भी फार्मूला आपको पता है ये होता है टू टेन एक्स डिवाइडिंग बाई वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स और एक फार्मूला और है टेन थ्री एक्स का इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडिंग बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स ये जो फार्मूला है ये फार्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन करने का कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखते हैं मान लो है। आपको किसी ने सॉल्व करने दिया है ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कॉट एक्स है विच इज़ इक्वल टू साइन टू एक्स तो इसको आप सॉल्व करो तो अगर आप टेन का फार्मूला यूज़ करते हो तो वट विल हैपन सी वन बाई टेन एक्स और इसको हम लोग लिख सकते हैं टू टेन एक्स डिवाइडिंग बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इज इक्ल टू वन आ जाएगा इसका मतलब आपके पास है टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन विच इज इक्वल टू तो टेन स्क्वायर पाई बाई फोर तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाई फार्मूला एक्स इक्वल टू तो एन पाई प्लस एन माइनस अल्फ़ा दैट मीन्स पाई बाई फोर जहाँ पर एन बिलोंग्स टू तो जेड होगा ना इसी सम्स को अगर आप फिर से सॉल्व करते हो अनदर मेथड में मान लो काट टू काट एक्स है और साइन टू एक्स अब आप इस फार्मूला को टेन में ली इस सम्स uh, को टेन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो साइन टू एक्स को सिंपली आपने लिखा है कॉट के जगह में कॉस एक्स बाई साइन एक्स यहाँ पर आप लिख रहे हो टू साइन एक्स कॉस एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गेटिंग कॉस एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स इक्वल टू ज़ीरो ना यहाँ से अगर आप कॉस एक्स कॉमन ले लेते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि आपका कॉस एक्स जो है वो जीरो है और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू तो वन बाई टू है तो कॉस एक्स अगर जीरो होगा तो एक शुड बी टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू और मल्टीपल ऑफ नाइन्टी में होगा और साइन स्क्वायर एक्स अगर वन बाई टू है तो आप इसको लिख सकते हो वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर तो नाउ दिस यू कैन राइट एस एक्स इज़ इक्वल टू एन पाई प्लस एंड माइनस पाई बाई फोर अगर आप सोल्यूशन चेक करोगे तो पहला वाले जो सल्यूशन है जिसमें हमने कन्वर्ट किया था साइन को टेन में, साइन टू एक्स को आ, टैनिक्स में जब कन्वर्ट किया तो हमारे सोल्यूशन आ रहे थे एक्स इजिकल टू एन पाइ प्लस माइनस फाइव बाई फोर और यहाँ पर जो है ऑड मल्टीपल ऑफ नाइन्टी डिग्री भी सोल्यूशन आ रहा है तो यहाँ पर क्या पता चला कि इस फार्मूला के कन्वर्सन पे हम लोग को मे बी इनकम्प्लीट सोल्यूशन आ सकता है तो यहाँ पर इनकम्प्लीट सोल्यूशन आने का चांसेस है तो यहाँ पर यू आर गेटिंग द कम्पलीट सोल्यूशन दैट्स वाई मैंने कहा कि आप आ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्राई करो ये कन्वर्सन ना करने का साइन कॉस टेन क्योंकि यहाँ पर टेन आ जाते हैं ना और यहाँ पर यह 90 डिग्री में अनडिफाइंड हो जाता है तो इसी के लिए साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टेन टू एक्स और टेन थ्री एक्स को टेन uh, एक्स में कन्वर्ट ना करके ज़्यादा से ज़्यादा सम पे आप जनरली साइन कॉस पे इसको ब्रेक करके सम्स को सॉल्व करें इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा अब इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो पहला हम लोग पढ़ा टिकोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है कि वो इक्वेशन होता है जिसमें आपका टिकोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है दूसरा सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं तीन होते हैं प्रिंसिपल पर्टिकुलर एंड जनरल सोल्यूशन उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है और तीसरा नंबर था सब इंपॉर्टेंट टेक्निक तो हमेशा इंपॉर्टेंट टेक्निक में से आपको याद रखना है कि स्क्वायरिंग नहीं करना है एज पॉसिबल जितना एज मच एज पॉसिबल आप स्क्वायरिंग को एवॉइड करें और वह एंगल को भी एवॉयड करें जो डिग्रोमेटिक फंक्शन को इन्फिनी बनाता है उसके बाद कैंसिलेशन रूल में न्यूमरेटर से किसी भी फैक्टर को किसी भी अननोन टर्म को किसी भी अननोन फंक्शन को कैंसिल आउट नहीं करना है डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हो ये कन्फर्म है अगर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं किया तब एर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो नहीं होता है जब भी आप डिगोनोमेटिक इक्वेशन सॉल्व करो डोमेन एनालिसिस ज़रूर करो कौन कौन सा फ़ंक्शन प्रेजेंट है और कौन सा फंक्शंस का डोमेन क्या है ये जरूर याद रखना है डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए एट एनी स्टेज ऑफ सोल्यूशन फिर मैंने बताया कि कन्वर्सन से आप बचें मतलब टेंट टेन टू एक्स से या फिर साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टैन थ्री एक्स से टेन एक्स में कन्वर्ट ना करें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि साइन कॉस में सॉल्व करने का अदरवाइज कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलने का चांसेस होता है तो ये टिगोनोमेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने बताया आपको ये सारे चीज़ें दूसरे लेक्चर्स में मैं आपको बताएंगे डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द टिगोनोमेटिक इक्वेशंस एंड होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मेरे साथ जुड़े रहे मैथामेटिक्स को इन्जॉय करें बाय बेटा